हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं ग्रीन चटनी। इट्स अ फ्लेवरफुल कॉन्डिमेंट मेड विद फ्रेश मिंट, कोरिएंडर, गार्लिक, जिंजर एंड क्यूमिन। ये बहुत कॉमन सी चटनी है जो कि ऑल काइंड ऑफ इंडियन स्नैक्स के साथ में खाई जाती है, जैसे कि चाट हो गया, वड़ा पाव हो गया, सैंडविचेस हो गए। ये चटनी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी जब मैंने वड़ा पाव बनाया था। इसमें यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 50 ग्राम पुदीना के पत्ते ले रखे हैं, जिन्हें मैंने पहले साफ करके और सुखा के रख लिए हैं। अब हम इनको ब्लेंडर जार में डाल देंगे। अगर आपको हरी चटनी फुल ऑफ फ्लेवर चाहिए तो ध्यान रखिए कि आप फ्रेश पत्तियों का ही यूज कीजिए। और 50 ग्राम हरे धनिया की पत्तियां भी ले लीजिए, इन्हें भी मैंने धुल के और साफ करके रखा हुआ है। इसे भी ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। आप थोड़ा कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में भी करके डाल सकते हैं या साबुत पत्ते भी डाल सकते हैं। फ्रेश धनिया और पुदीने की पत्तियों में से डस्ट इजीली साफ नहीं हो पाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, विनेगर को लेके उसका स्प्रे करके 10 मिनट के लिए आप पत्तियों को रख दीजिए और 10 मिनट बाद टैप वाटर से धुल दीजिए। आपके पत्ते एकदम क्लीन हो जाएंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल दीजिए, उसके साथ ही 4 हरी मिर्ची, इसके साथ हमें चाहिए होंगे 2 गार्लिक, लहसुन की कलियां, साथ में 1 स्मॉल साइज का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और लास्ट में 2 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा या कम देख सकते हैं। अगर चटनी में खट्टापन ना हो तो चटनी का मजा ही नहीं आता, इसलिए मैंने 1 नींबू का रस यूज किया है इसमें। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसे हटा दीजिए, नींबू का रस मत ऐड कीजिए। अब 4-5 चम्मच पानी लेके इसका एक बारीक पेस्ट बना लीजिए। पानी बस उतना ही यूज कीजिए जिससे कि आपकी चटनी बारीक पिस जाए। अब हम इन सब चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। अभी लगभग बारीक पेस्ट बन चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट ऐड कर दूंगी मैं। आप पीनट्स की जगह रोस्टेड चना दाल को भी ऐड कर सकते हैं। यह आपकी चटनी को थिक एंड स्मूथ टेक्सचर देता है और वॉटरी होने से भी बचाता है। मूंगफली डाल के अब हमने इसको दोबारा ब्लेंड कर लिया है। ये हमारी चटनी पिस चुकी है, ये रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी है, कितनी थिक है और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा है। इस पॉइंट पे आप अपना सॉल्ट चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए इसको। अब इस चटनी को हम एक बाउल में निकालेंगे। इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के आप 2 दिन तक खा सकते हैं। आप चाहे तो आइस ट्रे में फ्रीज करके इसे 1 महीने तक रख सकते हैं और जब दिल चाहे तो इसको निकालिए और खाइए। लेकिन मजा तो तभी आता है जब ये चटनी एकदम फ्रेश हो, इसकी खुशबू तभी अच्छी होती है, इसका टेस्ट भी तभी अच्छा होता है। तो एक बार में आप इसे कम ही क्वांटिटी में बनाइए ताकि 2 दिन में ही आप इसे यूज कर सके। इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, झटपट तैयार भी हो जाती है। और हाँ, जब भी आपको चटनी निकाली हो तो उसे सूखी चम्मच से ही निकालिए, इससे चटनी लंबे टाइम तक बनी रहती है, खराब नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।